ग्राम आर्य लिफ्ट कैनाल नहर में न्यायलेखी फाटा पुलिया के पास नहर में नहाने उतरे तीन युवक डूब गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कांसर गांव से तीन युवक पानी के टैंकर के साथ नहर में नहाने गए थे। बताया जा रहा है कि पानी टैंकर भरने के बाद दो युवक रस्सी के सहारे नहर में नहाते उतरे और तीसरा युवक बाहर रस्सी से उनको पकड़े हुए था। तभी नजर में पानी के तेज बहाव से आए रस्सी में खिंचाव के बाद तीसरा युवक भी नहर में जा गिरा और तीनों युवक पानी में डूब गए। नहर में डूबे युवकों की पहचान की गई है। इनमें कांसर निवासी 27 वर्षीय भालाराम पुत्र नोपाराम वाल्मीकि, कांसर निवासी 25 वर्षीय सुनील पुत्र प्रताप वाल्मीकि और मुनापुर निवासी इन युवकों का रिश्तेदार है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस और बचाव राहत टीम ने राहत कार्य शुरू करते हुए युवकों की तलाश शुरू कर दी है। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए नोहर से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं वन संवाददाता राकेश जी। राकेश, बताएं कि किस तरह से ये तीन युवक डूबे और अब क्या इनकी जांच जारी है कि कब मिलेंगे? देखिए चौधरी कुंभाराम रे लिफ्ट कैनाल नहर में बड़ा हादसा हो गया था। घटना न्योल की फांटा पुलिया के पास की है, जहां कल दोपहर को नहर में नहाने उतरे तीन युवक नहर में डूब गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार गांव कानसर से तीन युवक पानी का टैंकर लेने के लिए नहर के पास आए थे, तभी तेज गर्मी होने के कारण वो नहर में नहाने के लिए उतर गए। और बताया जा रहा है कि पानी में टैंकर में भरने के बाद में युवक रस्सी से सहारे नहर में नहाने उतरे, वह तीसरा युवक रस्सी से सारे उन दोनों को पकड़े हुए था। तभी नहर में पानी का तेज बहाव होने के कारण तीसरा युवक भी रस्सी के खिंचाव के कारण नहर में जा गिरा। वहीं पुलिस सूत्रों ने बताया कि तीनों युवक कानसर गांव में नहर में नहाने के लिए आए थे, जो पानी में तेज बहाव के कारण नहर में डूब गए। और नहर में डूबे युवकों की पहचान हो गई है, जिनमें एक का नाम बालाराम पुत्र नोपाराम वाल्मीकि है, दूसरे का नाम सुनील पुत्र प्रताप वाल्मीकि और तीसरा जो है मानपुर गाँव का बताया जा रहा है। और ये तीनों मृतक जो है रिश्ते में भाई बताए जा रहे हैं। अभी मौके पर नहर के किनारे लोगों की भारी भीड़ जमा है और दो युवकों के शव निकाल लिए गए हैं और एक के शव को निकालने का प्रयास किया जा रहा है। और पल्लू पुलिस के सहयोग से ग्रामीण तीनों युवकों की तलाश में जुटे हुए थे। जी राकेश, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए थे राकेश, जिन्होंने इस मामले पे पूरी जानकारी दी।